नमस्कार, आप देख रहे हैं से 24 लाइव। लॉकडाउन में पहली बार जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पूर्णिया पहुंचे। पूर्णिया स्थित अपने निजी आवास पर मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने 71 दिनों के लॉकडाउन में सरकार को विफल बताते हुए हर पहलू पर सरकार को घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर फैसले को असफल बताया। लॉकडाउन में नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कहाँ थे ये लोग, लॉकडाउन में फंसे लोगों की मदद के लिए आगे क्यों नहीं आए। अकेले श्री पप्पू यादव इस विकट परिस्थितियों में लोगों के बीच खड़े थे और हर संभव मदद कर रहे थे। पूर्णिया से संवाददाता राजेश कुमार की पूरी रिपोर्ट। बिहार सरकार से कि उनके डिप्टी सीएम और उनके एक मंत्री ने 3 दिनों से लगातार यह बयान दे रहा है कि 20 लाख करोड़ में 65,000 करोड़ रुपया बिहार को दिया गया, और जदयू के मंत्री श्याम रजक कहते हैं कि हमको न तो जीएसटी का पैसा दिया गया न 1 रुपया दिया गया। अब ये सवाल बिहार जानना चाहती है, आप 20 लाख करोड़ रुपये की घोषणा में न तो 20 पैसे आपने मजदूर को दिया, आप रबी फसल की जो क्षति हुई उसमें आपने 20 रुपया नहीं दिया, आप 31 मई के पहले बीज और खाद का पैसा आपको किसानों को देना था जो महाराष्ट्र सरकार ने दिया आपने उसके लिए नहीं दिया, आप लगभग मिनिमम 7,000 रुपया डिमांड था पप्पू यादव का और बिहार के विपक्ष और सभी अर्थशास्त्रियों का कि आप 7,000 मिनिमम, ऊपर 12,000 रुपया आप इस हिंदुस्तान के मिडिल क्लास और 12 करोड़ जो लड़के बेरोजगार हो चुके हैं और जो अप्रवासी मजदूर है उसके अकाउंट में डालिए ताकि इकोनॉमिकल परचेजिंग पावर उसका डेवलप करे और वो ग्रोथ कर सके, आपने उसमें नहीं दिया। आप 3 महीना का राशन की डिमांड थी कि आप कीट के द्वारा आप इस हिंदुस्तान के 5,62,00,000 जो प्रवासी मजदूर है, मजदूर तो 7,82,00,000 है, उस प्रवासी मजदूरों को 3 महीने का किट दीजिए, आप उस पर नहीं दिए। मनरेगा का डिमांड था कि 100 दिन का मनरेगा हटा करके आप 300 दिन करिए और मनरेगा को आप 30 कम से कम 300 रुपया आप डेवलप करिए और एडवांस आप 3 महीने का आप मनरेगा का दीजिए, मतलब 9,000 रुपया मंथली के दर से 27,000 रुपया मजदूरों को एडवांस दीजिए और बाद में आप उसको काट लीजिए, आपने वो नहीं किया। तो यह दिग्भ्रमित किसको कर रहे हैं? आपका कोई पैकेज, आपने कहा बिजली को हमने 50,000 करोड़ रुपया दी, तो पप्पू यादव का सवाल है उसमें कंज्यूमर को क्या मिला। आपने कहा 1,36,000 करोड़ रुपया हमने लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को दिया जबकि वो पहले से एनपीए हो चुका है, ठीक है आपने दिया, तो उसमें उस कुटीर उद्योग में मजदूरों को क्या लाभान्वित हुआ, उसने क्या छूट दी, इसके बारे में आपने नहीं बताया। उल्टे आपने आजाद हिंदुस्तान में मजदूर श्रमिक कानून को आपने डिमोलिश कर दी और उसके राइट्स को आपने छीन लिया, मजदूर को आपने 12 घंटा मजदूरी पर को कानून बना दिया और 200 रुपया आपने मात्र कर दी। क्या है ये, आप ठीका ले चुके हिंदुस्तान के, डेमोक्रेसी को समाप्त करने की पूरी नया तरीका है सोशल डिस्टेंस एंड कोरोना वायरस। हिंदुस्तान में इंस्पेक्टर राज कायम हो गया, प्रधानमंत्री 2 बार महादेव बन के आए और जब ये नोटबंदी नहीं थी प्रधानमंत्री और जीएसटी, आप 2 बार भोला बाबा बन के आए, ताली बजवाए, घंटी बजवा लिए, दीप जलवा लिए, पटाखा फोड़वा लिए, जिस वक्त 500 मात्र पॉजिटिव केस था, 29 जनवरी को 1 पॉजिटिव केस मिला हिंदुस्तान में, वो मिला आगरा में, दूसरा मिला 3 तारीख को, वो मिला केरल में, और चौथा तीसरा मिला महाराष्ट्र में। आपने तब कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई, आप नमस्ते ट्रंप पर 300 करोड़ रुपया खर्च किए, आप बराती को लाए, उसको आप आगरा ले गए, अहमदाबाद ले गए, दिल्ली ले गए और बॉम्बे ले गए, आपने परोस दिया,
15 लाख विदेशियों को आपने लाया, आप क्वारंटाइन करते, उसकी जांच करते, उसको घर नहीं जाने देते, आपने दिल्ली एयरपोर्ट से सीधा उसको हर स्टेट में भेज दिया। किसने इस वायरस को किसने पैदा किया? और जब आपको लॉकडाउन करना चाहिए था उस वक्त आपने लॉकडाउन नहीं की, आप को सारे मजदूर और स्टूडेंट को आपको कह देना चाहिए था होली के पहले कि आप अपने अपने घर जाइए। जब हम दुनिया के 7वें नंबर पर आ गए, मौत की सिलसिला 7वें नंबर पर हमारा पहुंच गया, जब हम 500 पर थे तब आपने कोई ट्रेन नहीं दी, बस नहीं दी, और आपने जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन कर दिया। और लॉकडाउन के पहले आपने हिंदुस्तान में कोई रास्ता नहीं दिया किसी मिडिल क्लास को, किसी फार्मर को। आपने ना तो 3 महीने का खाना दिया, ना आपने पैसे दी, ना आपने किराया भाड़ा माफ किया पूरे देश में मजदूरों का और स्टूडेंट के लॉज का, ना आपने ट्यूशन फीस माफ किया, ना आपने बिजली पानी का फीस आपने माफ किया। आपने लॉकडाउन में मार दिया। 7 दिनों के बाद सबसे पहला लाठी आपकी चली हीरा व्यापारियों के पक्ष में, उसके बाद हरियाणा में आपने गोली चलाया, और अंत में ठेकेदारों ने मार मार करके हिंदुस्तान के मजदूरों को लहूलुहान करके सड़कों पर भेज दिया। 4 बार आप आए, मन की बात किया, लेकिन मजदूरों के बारे में 1 बार भी आपने सवाल खड़ा नहीं किया। क्यों सुशासन बाबू, ये आत्मा का परिवर्तन आपका कब कब होता है? 37 दिनों तक आपने धूप नहीं लगाई। राहु केतु शनि धृतराष्ट्र की सत्ता और संजय इसके पदाधिकारी अफसर में भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं ये लोग। पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर, क्वारंटाइन सेंटर में 1 व्यक्ति का 2500 रुपया, 65 करोड़ रुपया क्वारंटाइन सेंटर में इनके पदाधिकारी ने घपला किया। 38 करोड़ रुपया इनके पदाधिकारी ने गमछे में और सैनिटाइजर में घपला किया। आप अवसर निकाल लिए लूटने का, ये आत्मनिर्भर आप नेता को बना रहे हैं, आत्मनिर्भर पदाधिकारी को बना रहे हैं, और आत्मनिर्भर आप माफिया को बना रहे हैं। ये 3 आदमी हिंदुस्तान चलाएगा क्या? ये किसान कहां जाएंगे? 12 करोड़ 33 लाख की आबादी में 8 करोड़ 19 लाख किसान है बिहार में। आपने उसको कहा कि मैं आपको ब्याज दे रहा हूं सूद के साथ, मई में लौटा देना। ये पगला आदमी, जब लॉकडाउन है, रबी फसल बाजार में नहीं गया, मार्केट नहीं है, हम बिकेंगे नहीं, हम तुमको ब्याज और सूद कहां से देंगे? क्यों आपके लिए पैकेज नहीं है? क्यों 42 दिनों तक इस हिंदुस्तान के स्टूडेंट को ट्रेन नहीं मिली? 24,000 करोड़ रुपया हरियाली यात्रा पर आप बुकने की तैयारी किए हुए हैं जिससे आप चुनाव लड़िएगा। 400 करोड़ रुपया आपके पास नहीं था हिंदुस्तान के मजदूरों को लाने के लिए। 20 करोड़ 63 लाख रुपया आपने मानव श्रृंखला में हेलीकॉप्टर पर खर्च किया सिर्फ ड्रॉप करने के लिए, खाना खिलाने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे। क्या था? रैली में आप बाय नाच करवाते हो, ये माफिया लोग 400 बस ले जाते हैं, ये बड़े बड़े ताकतवर आदमी को बस लाने की आप फ्रीडम देते हो, गांधी मैदान में रैली करते हो, 100 करोड़ की रैली करते हो, लेकिन कोटा से बच्चों को लाने के लिए 1 बस नहीं मिला इन एमएलए एमपी को। 722 राज्यसभा लोकसभा एमपी कहां थे? कौन देख रहे थे कि इसको और मुस्क में फंसे हुए थे या मसाज करा रहे थे? कहां था ये 55 दिन विपक्ष का नेता और विपक्ष किस होटल में था और कहां मसाज करा रहा था? 55 दिनों में 300 लोग भूख से मरे, 80 लोग ट्रेन में मरे, और 38 लोग क्वारंटाइन सेंटर में बिहार में मरे। मैं जानना चाहता हूं कि कहां था सत्ता पक्ष और विपक्ष, चाहिए पीयूष गोयल पर
302 का मुकदमा लगना चाहिए सत्ता पे, जिसने मरने पर मजबूर किया। इंक्वायरी होनी चाहिए इस 72 दिनों का क्या कारण है कि आपको 68 दिन लग गया इस मास्क के दाम पर, कीमत पर कंट्रोल करने में। 68 दिन के बाद भारत सरकार ने एक फॉर्मूला किया कि इतने में बिकेगा। 68 दिन पहले यह मास्क 300, 200, 600, 800, 900, 1200, 1300 रुपये में बिका। कहां गए वो पैसे? सैनिटाइजर मनमानी बिकी, कहां गए वो पैसे? पीएम केयर्स फंड में आरटीआई को पूछने का राइट नहीं है? मुख्यमंत्री केयर्स फंड में आरटीआई को पूछने का राइट नहीं है? क्या पीएम केयर्स फंड का पैसा हिंदुस्तान के को आत्मनिर्भर बनाने वाला यूथ और मजदूरों के खाने में नहीं लगेगा? कहां जाएगा वो पैसा? इतना बड़ा दोगला नीति, इतना बड़ा तेगला, इतना बड़ा चोगला, मैं बार बार कहता हूं, नेता से बड़ा दोगला तेगला चोगला हो ही नहीं सकता। ये नेता